नमस्कार और आप लोगों का स्वागत है सिर्फ यंग आर्टिस्ट के लाइव गिटार क्लास के सेकंड वीक में। आई रियली होप कि आपने पिछली क्लास का जो होमवर्क है, जो क्लास है, उसको सही तरीके से फॉलो किया होगा और इस वीक आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी, जिससे कि आप गिटार से अब थोड़े बहुत फैमिलियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 2 से 3 पॉइंट्स। डिपेंड करता है कि कितना टाइम हम लेते हैं, कितना टाइम आप लेते हैं, उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम कितने पॉइंट सीखेंगे। बट फिर भी स्टार्टिंग के हिसाब से आज हम अपनी पहली मेलोडी प्ले करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक वार्मअप्स के बारे में जानकारी ली थी, तो इस क्लास में हम लोग एक मेलोडी प्ले करेंगे और बेसिक जो सारे गामा का साउंड होता है वो हम एक ही स्ट्रिंग पर किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट से। तो फाइनली आज हम गिटार पे एक म्यूजिकल मेलोडी बजाने वाले हैं और ये मेलोडी ऐसी मेलोडी है जो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। चाहे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया हो या नहीं किया हो, कभी सिंगिंग की हो या नहीं की हो, पर सारे गामा जो है वो एक ऐसा साउंड है, एक ऐसी मेलोडी है जो आप सभी लोगों ने सुना हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले सिंगल स्ट्रिंग पे, मतलब एक स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम सारे गामा प्ले कर सकते हैं उसको सीखेंगे। ओके, तो सारेगामा सीखने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि गिटार पे अब जब आप अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अलग अलग चलाने लग गए हैं, मूव करने लग गए हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की अगर बात की जाए तो नंबर्स के हिसाब से ध्यान रखना होता है। जो हमारे फ्रिट्स हैं उनको हम काउंट करते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब एज ए गिटारिस्ट मैं अपने लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करूँगा। स्ट्रिंग्स जो है वो नीचे से ऊपर की ओर काउंट होती हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अगर मुझे पर्टिकुलर कोई स्पॉट प्ले करना है, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो इस स्पॉट को मैं बताऊंगा कैसे आपको। इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका होता है कि हम प्रॉपर इस नोट का नाम बोल सकते हैं कि आपने कौन सा नोट प्ले किया हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे। आज हम म्यूजिकल अल्फाबेट के बारे में भी जानने वाले हैं। तो एक तो तरीका होता है प्रॉपर म्यूजिकल अल्फाबेट के थ्रू जाना, दूसरा होता है उसकी लोकेशन नंबर्स के थ्रू जाना। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स इन्वॉल्व हुए, टेक्निकली सबसे आप पहले आपको ये देखना है कि कौन से नंबर का फ्रेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेट की बात की जाए तो मैं पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे फ्रेट में था। और कौन से स्ट्रिंग पे था, नीचे से 1 2 3, तो थर्ड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर्स ही हैं जो स्ट्रिंग्स को और इवन आपके फ्रेट को डिफाइन करते हैं। तो जब अब हम सारेगामा सीखने वाले हैं वो कुछ ऐसा साउंड करता है। रिवर्स, जैसा कि आप लोग सुन के बता सकते हैं कि ये सारे गामा का साउंड था। तो अब अगर मुझे आपको ये सिखाना है तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, आज मैं अपने साथ एक ब्लैक बोर्ड भी लेके बैठा हूं जिससे कि आप लोग को ये चीज बता पाऊं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लोग आज सीखने वाले हैं वो फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इस फॉर्मेट में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, सबसे जो ऊपर वाला सेक्शन है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये है फ्रेट नंबर्स, इसलिए इसके आगे लिखा हुआ है F, कि जो भी फ्रेट नंबर मेरे को प्रेस करना है वो मैंने लाइन से लिख दिए इनके मध्य। दूसरा जो लाइन है जो S के सामने लिखा हुआ है वो जो है वो स्ट्रिंग का नंबर है कि कौन सी स्ट्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उसमें सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरा का पूरा जो पार्ट है जो आज हम सीखने वाले हैं सारेगामा, वो हम फर्स्ट स्ट्रिंग पे प्ले कर रहे हैं। ओके, और सबसे नीचे है अल्फाबेटिक वे में कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी प्लीज मैं ये चाहूंगा कि आप अपने पास ये नंबर लिख लीजिए, आप नोटबुक या पेंसिल पेन जो भी लेके बैठे हैं अपने साथ में, प्लीज कोशिश कीजिए कि आप इसको लिख लें। तो ये नंबर्स हैं 0 2 4 5 7 9 11 12, ये आपके फ्रेट नंबर्स होंगे। और उसके नीचे होगा स्ट्रिंग नंबर जो कि सब में 1 आएगा। फिर उसके नीचे है फिंगर्स, तो फिंगर्स के लिए हम लोगों ने अल्फाबेटिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग यूज किया है। तो उसके लिए क्या करना होता है, इंडेक्स फिंगर के लिए हम यूज करते हैं A, मिडिल फिंगर के लिए हम यूज करते हैं B, रिंग फिंगर के लिए हम यूज करते हैं C, और लिटिल फिंगर के लिए हम यूज करते हैं D। ओके, तो ये 4 फिंगर्स इस तरीके से होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 0 में कोई फिंगर नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब आप कुछ प्रेस ही नहीं कर रहे। देन A, देन C, देन D, देन A B C D। अभी मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा आपको, बट मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग ये लिख ले पहले। आई होप आप लोगों ने लिख लिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू जो मैंने आपको नंबर्स लिखवाए हैं, वो नंबर्स जब आप समझते हैं मैं अभी यूज करके दिखाऊंगा। फिंगर्स के लिए देखिए, इस फिंगर को हम बोलते हैं A,
ये है बी, ये है सी और ये है डी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर्स के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले आपको हिट करना है जीरो। दिस इज हाउ द जीरो इज गोइंग टू साउंड। फर्स्ट स्ट्रिंग पे ओपन प्ले करना है, कुछ प्रेस नहीं करना है। जीरो, देन आप अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे टू, देन मिडिल फिंगर या सॉरी रिंग फिंगर से प्रेस करेंगे फोर, देन लिटिल फिंगर को प्रेस करेंगे फाइव पे, तो जीरो टू फोर फाइव। अगर सारे गामा के फॉर्मेट में बोलें तो हम लोगों ने किया सा रे ग म, देन रिवर्स म ग रे सा। इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए मेरा थंब जो है यहां थर्ड और फोर्थ जो हमारा फ्रेट है उसके बीच में। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप भी फ्रेट के ऊपर अपना थंब इस तरीके से लगाएं और एक ही पोजीशन रखते हुए ये पूरा का पूरा जो रीच है वो कंप्लीट कर पाएं। अगर आप बहुत ज्यादा हाथ मूव करेंगे तो अच्छा नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर को एक जगह थंब रख के पहुंचा पाए। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, जीरो टू फोर फाइव, ए सॉरी डैश मतलब कोई फिंगर नहीं, देन ए फिंगर, सी फिंगर एंड डी फिंगर। सरगम में हुआ सा रे ग म। ओके, जैसे ही आपको लगे कि नाउ इट इज वर्किंग फॉर यू, इट इज साउंडिंग बेटर, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, फाइव फोर टू जीरो, फिंगर्स उल्टी हो जाएंगी, डी सी ए डैश। ओके, सा रे ग म म ग रे सा। तो पहले आपको इतना पार्ट क्लियर करना है, जब आपको लगे कि इतना पार्ट आपसे होने लग गया है फिर आप मूव करेंगे सेकंड पार्ट पे। ठीक है, चलिए पहले दो से तीन बार हम बजा लेते हैं, मैं बजाऊंगा उसके बाद आप बजाएंगे। जीरो टू फोर फाइव, फाइव फोर टू जीरो, अगेन जीरो डाउन स्ट्रोक टू अप स्ट्रोक, फोर डाउन स्ट्रोक फाइव अप स्ट्रोक, डाउन अप डाउन अप। ऑल्टरनेट बजाना जरूरी है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि आपको लगातार डाउन 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 या अप 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 स्ट्रोक्स नहीं करने होते, तो प्लीज उसका ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि आप ऑल्टरनेट बजा पाए। तो पहला पार्ट हुआ जीरो टू फोर फाइव, जब आपको लगे आप एक अच्छे कॉन्टिन्यूस साउंड की तरह इसको जनरेट कर पा रहे हैं, अब आप अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए आपको अपना थंब लेके जाना है नाइन्थ फ्रेट पे, नवा जो फ्रेट है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर थंब लेके जाएंगे और अब हम यूज करेंगे सेवन नाइन इलेवन एंड ट्वेल्व। ठीक है, लेट्स रिपीट अगेन, सेवन नाइन इलेवन एंड ट्वेल्व। तो सेवन पे मैंने यूज किया अपना इंडेक्स फिंगर, नाइन पे यूज किया अपना मिडिल फिंगर, देन इलेवन पे सी फिंगर, रिंग फिंगर जो होता है, and little finger on 12, 7, 9, 11 and 12, reverse, 12, 11, 9, 7, 7, 9, 11, 12, 12, 11, 9, 7, like that, okay? इस पार्ट को भी I would suggest the same, कि आप पहले अलग-अलग practice करें, जब लगे कि ये flow में आने लग गया है, तो अब आप दोनों parts को साथ में adjoin कर सकते हैं, कैसे sound करेगा, 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, let's go back, 12, 11, 9, 7, 5, 4, 2, 0. अगर हम सरगम के फॉर्मेट में बोलें, सारे गामा पा, काफी ऊंचा है तो मैं थोड़ा सा फॉल्सेटो में गा रहा हूं, पा धा नी सा, सा नी धा मगरेसा। ओके, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको स्ट्रेट और रिवर्स एक फ्लो में बजा पाए, ना कि रुक रुक कर या टुकड़ों में। तेज बजाना हमारा कंसर्न नहीं है, स्पीड में बजाना हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा मेन रिक्वायरमेंट है कोई भी चीज जो आप बजा रहे हैं वो कंटिन्यूस साउंड करनी चाहिए, उसमें बीच में ब्रेक्स नहीं आनी चाहिए। अब ब्रेक्स नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि आपको फास्ट प्ले करना है, इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्टिन्यूस प्ले करना है, तो उसी पे फोकस रख के आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक बार फिर से प्ले करते हैं, साथ में प्ले करेंगे, जीरो टू फोर फाइव सेवन नाइन इलेवन ट्वेल्व। अब एक बार स्ट्रोक्स बोलते हुए करूंगा, डाउन अप डाउन अप डाउन
अप डाउन अप रिवर्स डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो इस तरीके से आपको कोशिश करनी है कि आप साउंड कर पाएं। कंटिन्यूटी हमारा पहला प्रायोरिटी है, प्लीज स्पीड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आई होप आप भी अच्छे से करेंगे और अब एक बार 2 से 3 बार इसको रिपीट करके देखेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं म्यूजिकल अल्फाबेट के बारे में। म्यूजिकल अल्फाबेट का मतलब ऐसे अल्फाबेट से होता है जिसकी टर्म्स को, जो जिस अल्फाबेटिक टर्म्स को हम लोग म्यूजिक में साउंड को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। पहली चीज आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे हर जो अल्फाबेट है वो एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिए कि म्यूजिकल अल्फाबेट में ए से लेकर जी तक के नोट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो टोटल 7 अल्फाबेट होते हैं जिनको हम यूज में लेते हैं। लेकिन इन 7 अल्फाबेट्स के अलावा भी इन अल्फाबेट्स के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंट नोट्स होते हैं जिनको हम लोग कुछ अलग नाम देते हैं, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये एक शीट है जो आपको देखनी है, आई होप आप लोग सही से देख पा रहे होंगे, साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये टोटल 12 नोट्स हैं हमारे पास जो हम लोग यूज करते हैं म्यूजिकल अल्फाबेट में। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत तरीके के नोट्स मैंने लिखे हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी यूज किए हैं। तो इन सिंबल्स का क्या मीनिंग होता है वो अभी हम बात करेंगे, बट एक बार फ्लो देखते हैं। तो सबसे पहले म्यूजिकल अल्फाबेट स्टार्ट होती है ए के साथ, तो आपको ए के बाद लिखना है ए शार्प। अब ये जो हैशटैग का साइन आप देख रहे हैं जो हम इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं बहुत सारी चीजें मतलब टैग करने के लिए, या फिर इंस्टाग्राम की वजह से ही हैशटैग को जानते हैं हम लोग टेक्निकली, है ना। आज अभी की जनरेशन के लिए तो पहला जो हैशटैग का एक तरीके से मुझे लगता है कि इंटरेक्शन रहा होगा वो इंस्टाग्राम की वजह से ही रहा होगा। तो ये जो ए है, ए के बाद आएगा ए शार्प। ए शार्प को हम एक और नाम से कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं बी फ्लैट। ठीक है, अब जो जैसे शार्प का साइन होता है हैशटैग, वैसे ही फ्लैट का साइन होता है स्मॉल बी का साउंड, बी का साइन। ठीक है, तो ए देन ए शार्प या बी फ्लैट। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट नोट पे, दैट इज बी। बी के बाद आएगा सी। बी का कोई शार्प नहीं होता है, आपको शुरू से ये बात ध्यान में रखनी है। तो बी के बाद आया सी, सी के बाद आएगा सी शार्प या डी फ्लैट। फिर आएगा डी, डी के बाद आएगा डी शार्प या ई फ्लैट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो ये डी शार्प या ई फ्लैट के बाद आता है ई, ई के बाद आएगा एफ, एफ शार्प या जी फ्लैट, देन जी शार्प या ए फ्लैट। तो ऐसा करके ये टोटल 12 म्यूजिकल अल्फाबेट्स होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये बड़ा ही कॉमन सेंस का चीज़ है, आप अगर नॉर्मल भी सर्च करेंगे गूगल पर या फिर यूट्यूब पर म्यूजिकल अल्फाबेट के बारे में तो आपको यही जानकारी होगी। अब इसका गिटार से क्या लेना देना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि आपको ये 12 जो म्यूजिकल अल्फाबेट है इनका फ्लो पता होना चाहिए। अब मैं आपके सामने इसको मिटा कर लिखता हूँ तो आई गेस आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। Give me 1 second। हाँ जी, ठीक है, तो अब बात करते हैं ये म्यूजिकल अल्फाबेट जो है किस तरीके से हम लोग गिटार में यूज करते हैं। तो गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं वो गिटार की स्ट्रिंग्स हम लोग इन्हीं म्यूजिकल अल्फाबेट के जो नेम्स है ना, ये जो नेम्स हमने अभी पढ़े उसी से ही डिराइव्ड है, उसी से ही हम लोगों ने लिए हैं। तो स्ट्रिंग देखा जाए, अगर आप अगर नोटिस करेंगे तो ऑफकोर्स 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और नीचे से ऊपर की तरफ हम काउंट करते हैं, सबसे पतली स्ट्रिंग, फिर उससे मोटी, ऐसे करते करते उसका जो थिकनेस है वो बढ़ती जाती है जो हमारी स्ट्रिंग होती है। तो पहली जो स्ट्रिंग होती है, सबसे पतली वाली स्ट्रिंग जो होती है उसको हम कहते हैं ई। ठीक है, फिर दूसरी स्ट्रिंग को कहते हैं बी, देन जी, देन डी, देन ए एंड देन ई अगेन। तो ये जो है ये हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मैंने जो ई बी जी डी ए लिखा है ये ऊपर से नीचे लिखा है। गिटार में अगर मेरे हाथ में गिटार होगा तो ये उल्टा है, सही में, मतलब जो ई है वो सबसे नीचे पतले वाली, फिर बी उससे ऊपर, फिर जी उससे ऊपर, तो उल्टा है। जब हम ऑन पेपर लिखते हैं स्ट्रिंग्स के नाम तो हम इस तरीके से लिखते हैं वो ऊपर से नीचे, लेकिन हम काउंट नीचे से ऊपर करेंगे जब भी हमें कुछ बजाना होगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ये हो गए हमारे स्ट्रिंग्स के नेम, अब
पहली स्ट्रिंग को ई कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन हिट करते हैं, कुछ भी प्रेस नहीं करते हैं, तो जो साउंड आपको मिल रहा है ना, वो साउंड का नाम ई है। पहली स्ट्रिंग ओपन से जो साउंड मिलता है वो नाम ई है। और इसीलिए हम लोग ट्यूनर का यूज़ करते हैं, जब भी हमें गिटार ट्यून करना होता है तो पहली स्ट्रिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो हम चाहते हैं कि किसी तरीके से, पूरी तरीके से देखा जाए तो ई की फ्रिक्वेंसी, जो भी जितने भी हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है उससे मैच करता है। तो वो होता है हमारा ई का स्ट्रिंग, देन बी, देन जी, देन डी, देन ए, देन इस तरीके से। अब अगर आप लोगों ने म्यूजिकल अल्फाबेट अपने नोटबुक में लिखा है, आई होप कि आप ये जब क्लास देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बेसिक सिखाने की और एक के बाद एक स्टेप वाइज सिखाने की, तो आप अगर नोटबुक पेन लेके बैठेंगे, ये चीज़ें लिखेंगे, हालांकि इस लाइव का रिकॉर्डेड वर्जन आपको अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, बट फिर भी अगर आप ऑन द स्पॉट सीख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि यू राइट थिंग्स डाउन। तो अब जो ये पहली स्ट्रिंग है ई, ठीक है, म्यूजिकल अल्फाबेट में ई के बाद क्या आता है? म्यूजिकल अल्फाबेट में ई के बाद एफ आता है। ई शार्प अगर नोट होता तो ई शार्प होता, लेकिन हम लोग एफ लेते हैं तो ई के बाद एफ आया। तो अगर मैं कहूँ कि अगर इसी चीज़ को गिटार पे रेप्लिकेट करना हो, लेट्स सी, मैं आपको गिटार पे इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए, जो हमारा पहला स्ट्रिंग है वो ई है, ओके, तो ये हो गया हमारा। दोनों चीजें साथ में ली जा सकती हैं, लेट्स ट्राई एडवेंचर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ई, ओके। अब अगर मुझे इस स्ट्रिंग का, इस फर्स्ट स्ट्रिंग का पहला नोट प्रेस करना है, ठीक है, रुक जाओ भैया, हाँ, अगर मैं फर्स्ट फ्रेट, मैं रख देता हूँ यार, ज़्यादा हो गया, चलिए, अगर मुझे फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट प्रेस करना है तो यहाँ पे प्रेस होगा। ऑफकोर्स ओपन में कुछ नहीं प्रेस कर रहे हैं, वो नाम ई है, तो अगर मैं फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट को प्रेस करूंगा तो ई के बाद म्यूजिकल अल्फाबेट में आता है एफ, तो ये होगा हमारा एफ नोट, ई एफ। एफ के बाद आता है एफ शार्प, एफ शार्प के बाद आता है जी, जी के बाद आता है जी शार्प। तो इस तरीके से हम म्यूजिकल अल्फाबेट में ही कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे जब मैंने म्यूजिकल अल्फाबेट बताई तो मैंने ए से स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग शुरू से सीख रहे हैं। लेकिन अभी फर्स्ट स्ट्रिंग की बात की जाए तो फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम होता है ई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन बजा रहे हो तो जो साउंड जनरेट हो रहा है वो ई का है। तो अब आपकी म्यूजिकल अल्फाबेट ई से ही स्टार्ट होगी, तो जो भी स्ट्रिंग का नाम होता है आपकी म्यूजिकल अल्फाबेट वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ओके? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ठीक है। अब अगर इन पे स्पेसिफिकली बात की जाए कि कौन कौन से, अभी हमने जब सारेगामा सीखा था तो हमने प्ले किया था 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11 and 12, ओके? तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो 0 मैंने प्ले किया ई, 2 अगर की बात की जाए तो मैंने प्ले किया एफ शार्प, देन 4 के लिए जी शार्प, 5 के लिए ए, देन बी, देन सी शार्प, देन डी शार्प एंड देन ई। तो टेक्निकली मैंने बोला तो सारेगामा, क्योंकि वो साउंड सारेगामा जैसा कर रहा है, लेकिन अगर हम इनके ओरिजिनल नोट्स के नाम लिखें या नाम बोलें तो आप बजा रहे हैं ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, ओके? तो इस तरीके से आप हर स्ट्रिंग का नाम, हर स्ट्रिंग पे फ्रेट का नाम निकाल सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको बार बार में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो चीज़ें अच्छे से आपको रेगुलर बेसिस पे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। एक बार सेकेंड स्ट्रिंग भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो सेकेंड स्ट्रिंग ओपन का नाम क्या होता है आप बताइए? सेकेंड स्ट्रिंग का नाम होता है बी फॉर बॉय। मतलब सेकेंड स्ट्रिंग जब आप ओपन हिट करेंगे तो जो साउंड जनरेट हो रहा है उस साउंड को हम कहते हैं बी। तो म्यूजिकल अल्फाबेट में अगर देखा जाए तो बी से आगे क्या आता है? बी से आगे आता है सी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग, सॉरी, फर्स्ट फ्रेट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी सी, देन सी शार्प, देन डी, देन डी शार्प, देन ई, देन एफ शार्प, देन जी, देन जी शार्प, देन ए, देन ए शार्प एंड बी, ठीक है। आप एक बात और नोटिस कीजिए कि आप जैसे ही बजाना स्टार्ट करते हैं तो कैलकुलेट करते करते 12th फ्रेट पे जब आप आते हैं तो आपको वही नाम मिलता है जो आपके ओपन स्ट्रिंग का नाम था। तो इसका मतलब ये वही क्लैरिटी हुई कि हमारे पास म्यूजिकल अल्फाबेट 12 ही होती है और वही आपस में रिपीट होती रहती है, ओके? थर्ड स्ट्रिंग जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिंग दैट इज डी, सो डी, डी शार्प, ई, एफ,
F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, C sharp and D. ठीक है, फिफ्थ स्ट्रिंग A. अब देखिए, अब सही में म्यूजिकल अल्फाबेट भी A से स्टार्ट होती है और हम इस स्ट्रिंग का नाम भी हमने A दिया है, तो उसकी वजह से ये भी स्टार्ट हो गया A से. सो A, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp और A. तो इस तरीके से आप अपने हर स्पॉट, हर फ्रेट, हर स्ट्रिंग का नाम एक्चुअली जान सकते हैं. ऑफ कोर्स ये याद करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये रिपीट करने वाली बात है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है, आपकी फिजिकल मेमोरी इतनी फास्ट हो जाती है कि आप डायरेक्टली वो नोट पहचानने लग जाते हैं. तो आपको कोशिश यही करनी है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी लीड प्ले कर रहे हैं, चाहे वो सारेगामा है या कोई गाना है, तो आप जो भी नोट्स प्ले कर रहे हैं, आपको उसका नाम हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि आप क्या नोट प्ले कर रहे हैं. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कॉर्ड्स प्ले करना जानते हैं, तो आप कॉर्ड्स के जो स्पॉट्स हैं उनका भी नाम नोटिस कर सकते हैं कि जब आप कोई भी कॉर्ड लगा रहे हैं तो किस तरीके का साउंड कर रहे हैं, कौन से नोट्स उसमें प्ले हो रहे हैं. तो ये था हमारा म्यूजिकल अल्फाबेट का बेसिक इंट्रोडक्शन. इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देना मेरा कर्तव्य था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पढ़कर या ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको याद करना वो आपका काम है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये ट्राई करें. तो इस पार्ट में अब हम प्रैक्टिस करेंगे जो आज हमने सीखा है. हमने सीखा है सारेगामा प्ले करना. तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम सारेगामा की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ. आप साथ में प्ले कर सकते हैं, गिटार लेके बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि साथ में प्ले कर पाएँ. मैं दोनों तीनों तरीके से साथ में बोलने की कोशिश करूँगा. मैं एक्चुअल नोट्स के नाम भी बोलूँगा, मैं सारेगामा भी बोलूँगा. ओके, तो चलिए फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं. सो पहले नंबर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा लर्न करने में आपको ईजी रहे. सो 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12. वन मोर टाइम, 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11. सॉरी, माय बैड, फिर से ट्राई करते हैं. 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11 and 12. लेट्स डू द रिवर्स. 12, 11, 9, 7, 5, 4, 2, 0. ओके, सेकेंड स्ट्रिंग पे ट्राई किया जाए, या उससे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग पे सारे गामा बोल के करते हैं. सारे गामा पाधा नीसा सानी तो आपका वोकल प्रैक्टिस भी हो सकता है इसके साथ में अगर आप चाहें तो. अब हम एक्चुअल नोट्स बोलेंगे. ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, टी शार्प, ई. ओके, रिवर्स. रिवर्स बोलना मुश्किल है मेरे लिए भी. सो ई, देन डी शार्प, सी शार्प, बी, ए शार्प. ए शार्प के बाद आएगा, पहले आएगा ए शार्प से पहले आएगा, सॉरी ए शार्प नहीं आएगा, ए है, ए, देन जी शार्प, देन एफ शार्प एंड देन ई. ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम सो दैट मेरी भी रिवर्स बोलेंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी हो ओरिजिनल नोट्स में. अगेन, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प एंड ई. ई, डी शार्प, सी शार्प, बी, ए, जी शार्प, F sharp and E. ठीक है, तो ये हुआ हमारा सरगम. एक तरीके से हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में एक टर्म होती है, मैंने आज पूरे लेसन में या फिर पूरी क्लास में नहीं रिपीट की, बट इसको हम बोलते हैं मेजर स्केल. उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, बट ये जरूरी है कि आपको ये पता रहे कि किस तरीके से हम लोग ये प्ले करते हैं. ठीक है, अब एक बार सेकेंड स्ट्रिंग पर ट्राई करके देख लेते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 2, 4, 5, 7, 9, 11 and 12. 12, 11, 9, 7, 5, 4, 2, 0. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa sa re ga
सा नी ध प म ग रे सा। थर्ड स्ट्रिंग, या फिर पहले एक बार उसके आप ओरिजिनल नोट्स के नाम बोलते हैं, पहले सेकंड स्ट्रिंग भी। सो बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी। ओके, रिवर्स नहीं बोलेंगे हम क्योंकि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। थर्ड स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं साथ साथ में तो आपको याद हो जाएगा वो। सो थर्ड स्ट्रिंग वी विल स्टार्ट विथ 0 2 4 5 7 9 11 and 12 12 11 9 7 5 4 2 0 नेक्स्ट पार्ट डी, या फिर पहले इसका नाम बोलें जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी जी एफ शार्प ई डी सी बी ए जी। ये स्किल मेरे को पहले से आती इसलिए मैंने रिवर्स ही बोल दिया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट डी स्ट्रिंग। सो डी डी इससे आवाज मिला है D E F sharp G A B C sharp D। आप ऐसे भी गा सकते हैं सा नी ध प म ग रे सा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो आपके आपके हाथ अपने आप से सेट हो जाएंगे इस पोजीशंस पे। ठीक है, ऐसे ही ए का लेते हैं A B C sharp D E F sharp G sharp A A G sharp F sharp D D C sharp B A। एंड जो लास्ट हमारा सिक्स स्ट्रिंग है वो फर्स्ट स्ट्रिंग जैसा ही होगा E F sharp G sharp A B C sharp D sharp B। तो कोशिश कीजिए इस तरीके से आप हर स्ट्रिंग पे प्रॉपरली टाउन अप करते हुए ऑल्टरनेट पिकिंग करते हुए गाते हुए साथ में अगर सारे गाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज होगा। नेक्स्ट वीक के लाइव में हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया ट्राई करने वाले हैं और हो सकता है हम लोग अपनी पहली मेलोडी प्रॉपर सॉन्ग सीखें। ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि पहला जो सॉन्ग हो वो ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने लायक हो, आप ज़्यादा ज़्यादा काम में ले पाए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं, बट फिर भी ठीक है थोड़ा सा टाइम दीजिए। पिछले दो क्लासेस जो किए हैं हमने, दो इंक्लूडिंग टुडेज क्लास ऑफ कोर्स, पिछला जो एक क्लास किया और आज का क्लास जो है, ये दो क्लासेस को आप ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, पूरा वीक लीजिए और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप जब नेक्स्ट वीक आएँ तो आप इतना कुछ करके आएँ तो आपके लिए सीखना बहुत आसान होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। कमेंट करके आप हमें बता भी सकते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हम लोग कोशिश करेंगे डिफरेंट तरीके से आप लोगों की हेल्प करने की। तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस हार्ड and we will meet next week. Thank you very much and please don't forget to subscribe to the channel as well.